हम सभी एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी व्रत में बहुत सारे नियम बताए गए हैं जो हमें वर्जित हैं, परंतु आज हम एकादशी व्रत कैसे करते हैं उसकी संपूर्ण विधि जानेंगे। सबसे पहले हमें एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अर्थात हमें आराम से नहीं उठना है क्योंकि आज हमारा व्रत है तो कुछ भी कार्य नहीं है, आराम से 8 बजे उठकर पूजा करेंगे ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी स्वच्छता का ध्यान रखते हुए स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान के मंदिर में जाकर अपने ऊपर गंगा जल का सबसे पहले छिड़काव करना है। उसके बाद पवित्र करके भगवान के सामने दीप जलाकर भगवान ठाकुर जी को, अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो उसे स्नान ध्यान कराकर सुंदर सुगंधित दीप जलाकर उन्हें भोग अर्पित करें। अगर आपके पास बाल गोपाल जी हैं, अर्थात जो लड्डू गोपाल हमारे घर में रखते हैं, उसे स्नान ध्यान करा के उन्हें भोग लगा करके भगवान की पूजा आरम्भ कीजिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। जब भी आप व्रत करती हैं तो यथासंभव हो सके प्रातः आरती अवश्य कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। भगवान विष्णु के रूप में पूजा करें या वासुदेव के रूप में पूजा करें या बाल गोपाल के रूप में पूजा करें, आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना है। दोस्तों, इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करने से, लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से आपके जीवन में जितने भी विघ्न बाधाएं हैं या जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वह भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, हमें भगवान को भूल कर भी चावल अर्पित नहीं करना है और माता तुलसी की पूजा करनी अवश्य है, परंतु उन्हें तोड़ना नहीं है, उनके तुलसी पत्ते को तोड़ना नहीं है, उनकी सेवा करनी है, उनकी सेवा में विघ्न नहीं बनना है, इसलिए हमें इस दिन तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए। दोस्तों, भगवान को इस दिन पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं तो आप मत तोड़िए, क्योंकि एकादशी व्रत में व्रती को पत्ते भी तोड़ने की मनाही बताई गई है, यहाँ तक कि हमें दातुन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के बहुत सारे नियम बताए गए हैं, परंतु अगर आप कुछ नियम को मानते हैं तो यह आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, इस दिन भगवान को पंचामृत से स्नान करा के, अगर आपके पास संभव नहीं है तो जल से स्नान करा के ध्यान करते हुए भगवान की माला का जाप करना चाहिए। किसी की भी चुगली नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत में और ऐसे भी समय बताया गया है कि अगर हम दूसरों की निंदा करते हैं तो वही दोष हमारे जीवन में भी लौट कर आता है। दोस्तों, अगर हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो वह भी हमारे बारे में बुरा सोचेगा और वही कर्म हमारा लौट कर आएगा, इसलिए हमें इस दिन को व्यर्थ नहीं करना है। इस दिन भगवान हरि नाम का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही जाप करना है और सच्चे हृदय से भगवान का ध्यान करते हुए जिस दिन की भी तिथि है, अर्थात जो भी एकादशी पड़ रही है, उसकी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, फिर भगवान को भोग प्रसाद बांटनी चाहिए। यथासंभव अगर आप शक्ति के अनुसार व्रत पूर्ण रूप से करते हैं तो आपको द्वादशी के दिन पारण ग्रहण करना चाहिए, परंतु अगर आप फलाहार करते हैं तो भगवान को जो फल आपने अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में लेकर ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, पारण के दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, परंतु द्वादशी के दिन चावल ग्रहण करके ही आपकी एकादशी पूर्ण होती है। इस प्रकार से एकादशी व्रत की विधि जो है हमने आपको बतलाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें।